हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आदर्शरथ रिपोर्ट। एंड पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यू आर शोइंग सो मच लव एंड आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ अमेजिंग फीडबैक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम टू द अनदर एडिशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग सेशन। सो टुडे वील टॉक अबाउट अ वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। या स्टोरी करेक्ट, ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम टेलिंग यू, एक आदमी है जो कि एक मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से है एंड ही इज़ वेरी स्टूडियस गाय, बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे। इनफैक्ट ही वो अपने दोस्तों को पढ़ाते भी थे एंड एक कैट एग्ज़ाम होता है फॉर डूइंग मास्टर्स, सो वो खुद भी दिए थे एंड ही रिसीव्ड 100% इन कैट, विच इज़ नॉट ईजी, बट स्टिल अगर वो चाहते तो उस स्कोर के साथ किसी बेटर बी स्कूल्स में एडमिशन लेके अच्छा पढ़ाई कर सकते थे, कहीं पे अच्छा जॉब कर सकते थे, बट ही डिडेंट ऑप्ट फॉर इट। उनको पैशन था एडुकेशन के लिए, कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले धीरे धीरे अपने दोस्तों को पढ़ाना चालू किया, तो 12 लोगों से 1200 बने, 1200 से 12000 से ज़्यादा बने। पहले एक छोटा सा रूम से पढ़ाई चालू किए, छोटे रूम से ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम से स्टेडियम। येस, सो ही स्टार्टेड दिस एडटेक कंपनी एंड ऑफ कोर्स द नेम इज़ बायजूस। सो रविंद्रन बायजूस इज़ द क्यूरियस केस टुडे दैट वी आर डिस्कसिंग। सो बायजूस इज़ एन एडटेक कंपनी, वी ऑल नो। सो इट बिकेम द फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। यूनिकॉर्न मतलब जिस कंपनी का वैल्यूएशन मोर देन $1 billion होता है, यू ऑल नो, सो दैट इज़ दे। सो बायजूस रविंद्रन, इंटरेस्टिंगली जो फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स आता है, सो ही वॉज वैल्यूड एट 1 point of time मोर देन 17,500 crore, बट इन 2024 ही इज़ बीन वैल्यूड एट ज़ीरो, राइट। तो क्या हुआ, सो एट पीक बायजूस कंपनी का वैल्यूएशन था $22 billion, $22 billion, और दैट केम डाउन टू लेस देन $1 billion इन 2024, वी विल डिस्कस। सो क्या ऐसे हुआ कि सुपरस्टार ऑफ इंडियन स्टार्टअप एंड एडटेक कंपनी का फर्स्ट यूनिकॉर्न इज़ नाउ स्ट्रगलिंग। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रोथ स्टोरी एज वेल एज द डाउनफॉल, राइट। सो लेट अस डिस्कस द ग्रोथ स्टोरी फर्स्ट। सो इन 2011 बायजूस का प्रिपरेशन तो बहुत पहले चालू हुआ, बट 2011 में उनका फॉर्मल कंपनी सेटअप हुआ, विच इज़ थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। एंड इन 2013 इट रिसीव्ड द फर्स्ट फंडिंग, विच इज़ ऑफ 50 करोर्स मणिपाल ग्रुप से, एंड बाय गिविंग 26% इक्विटी। सो 26% का इक्विटी दे के उनको मिला 50 करोर्स का फंडिंग, जिसमें उन्होंने कंपनी को बड़ा बनाने का कोशिश किया। सो इन 2015 बायजूस ऐप वॉज लॉन्च्ड, बायजू का जो फेमस ऐप है दैट वॉज लॉन्च, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी इनकॉर्पोरेट किया उस ऐप में। सो उस ऐप में उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया, दे इन्वॉल्वड क्रिएटिव डिज़ाइनर्स, 3D आर्टिस्ट, मोशन आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस, बहुत लोगों को ऐड करके, यू नो, टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे स्टूडेंट्स भी, जो लोग उनका ऐप यूज़ करते हैं, वुड बी वेरी क्यूरियस टू नो दी कॉन्सेप्ट। तो दैट वॉज हेल्पिंग देम। सो इन 2016 इट रिसीव्ड अराउंड $75 million फ्रॉम यू नो मेजर इन्वेस्टर्स, वन इज सीक्यूआर कैपिटल एंड मार्क ज़ुकरबर्ग का एक कंपनी है, चैन ज़ुकरबर्ग इनिशिएटिव। सो सीक्यूआर से $25 million और चैन ज़ुकरबर्ग इनिशिएटिव से $50 million मिला। By 2018 it became a unicorn. So 2018, so 2011 में चालू हुआ, 2018 में it become a unicorn. Unicorn मतलब $1 billion का initiative. So इस बीच में क्या हुआ कि they also started acquiring companies. So in 2017 it acquired Tutor Vista. In 2018 it became a unicorn. 2019 it started it was thinking to expand India से बाहर US में, तो एक US का कंपनी Osmo, तो उनको एक्वायर किया गया। फिर 2020 में ड्यूरिंग कोविड द गेम चेंज, द डिमांड फॉर ऑनलाइन कोर्सेस इंक्रीज्ड, सो बायजूस वॉज इन द गेम एंड तभी उनका स्पीड और स्केल बहुत ज़्यादा हो गया। सो इन 2020 इनफैक्ट
इट एक्वायर्ड वाइट हैट जूनियर, लैब इन ऐप, स्कॉलर, बहुत सारा कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया. इट इज़ बेटर टू एक्वायर, अगर कोई एस्टैब्लिश है तो उनको एक्वायर कर देना भी एक स्ट्रैटेजी है, अपना रिसोर्सेज एफर्ट टाइम वेस्ट ना करके. दोज हु हैव ऑलरेडी डन इट, वाई नॉट एक्वायर इट. सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है. 2021 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, वेयर बाइजूस जो कि एक 5-7 साल का कंपनी है, इट एक्वायर्ड ए कंपनी विच वॉज देयर एंड एस्टेब्लिश्ड फॉर मोर देन 30 ईयर्स, विच इज़ आकाश, राइट. सो उन्होंने आकाश को एक्वायर किया. एंड देन एपिक एक है US बेस्ड कंपनी, उनको एक्वायर किया. सो स्लोली इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग अलॉट. इनफैक्ट इन 2020 में इट रिप्लेस्ड ओपो एंड बिकेम दी इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर. सो ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा. सो बाइजूस बिकेम दी ऑफिशियल स्पॉन्सर. इनफैक्ट इट ब्रॉट शाहरुख खान एंड मेसी एज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, सो विच इज़ अमेजिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाइजू कितना बड़ा हो चुका था ये टाइम पे. एंड 2022 में इट रीच इट्स पीक. सो 2022 में इट रीच इट पीक एट $22 billion. तब तक ये बहुत बड़ा हो चुका था. एंड लेकिन ये सब जब इतना सब अच्छा हो रहा था तो क्या हुआ कि डाउनफॉल देखना पड़ा. सो देयर सम थिंग्स दैट दैट वेंट दैट डिड नॉट गो ऑन देयर साइड, राइट. डिटेल. सो द डाउनफॉल स्टोरी. सो जब ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ रहा था, सो क्या हुआ कि उनका सेल्स प्रेशर भी बढ़ रहा था डेफिनेटली, क्योंकि जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो आपका सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सेल्स प्रेशर जब बढ़ रहा था तो सेल्समैन जो उनके थे, दे हैड टू डू एवरीथिंग टू गेट द सेल्स डन. सो कहा जाता है कि कभी कभार वो मिस सेल्स भी हुआ, कभी कभार या तो वो एग्रेसिव सेल्स हुआ या जो भी हुआ. सो सेल्स टारगेट धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया. इनफैक्ट ड्यूरिंग COVID-19 एक और चीज़ था कि इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स क्या हुआ कि बाई 2019 में जब बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा था एंड बाइजू जैसा कंपनी और भी आ गए थे और जब बढ़ रहे थे, तो इन्वेस्टर्स को भी फोमो होने लगा. फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो सब लोग वहाँ पे पैसा लगाना चालू कर दिए. सो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स आपको बता रहा हूँ. इन 2019 सिर्फ एडटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ $429 million. वही 2020 में एक साल में वो 429 से बढ़ के हो गया $2200 million. एंड इन 2021 इट बिकेम $4165 million. सो 400 से लेके 2019 में 4165 मिलियन डॉलर्स हो गया इन जस्ट 2019 to 2021. सो दैट वॉज द इन्वेस्टमेंट एडटेक इंडस्ट्री में आ रहा था. और इंटरेस्टिंगली ये 4000 करोड़ में से 50% सिर्फ बाइजूस का ही था. सो विच मीन्स मेनी इन्वेस्टर्स वेर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइजूस. सो तो उसमें इवन वैल्यूएशंस भी बहुत अनरियलिस्टिक होना चालू हो गया. इनफैक्ट इवन दी एक्विजिशन भी कुछ कुछ अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पे किया गया, इंक्लूडिंग आकाश भी बोला जाता है कि उनका जो वैल्यूएशन था वो बहुत ज़्यादा था ड्यूरिंग एक्विजिशन. सो एनीवे, जैसा मैंने कहा कि 2020 को इट रीच इट्स पीक एट $22 billion का वैल्यूएशन. इट हैड 58,000 एम्प्लॉइज एंड बाइजूस वॉज डूइंग ग्रेट. बट लेकिन उसके बाद पोस्ट कोविड थिंग्स चेंज्ड. लेकिन व्हाट चेंज्ड, कि जो एक्सपेक्टेशन था वैसे हुआ नहीं. पीपल वहाँ पे लोग सोचते थे कि कोविड के बाद सब चीज़ ऑनलाइन ही चलेगा. पीपल आर सो एक्वेंटेड विथ ऑनलाइन कि ऑनलाइन ही सब चलेगा. बट ऐसा नहीं हुआ. पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन ऑप्टेड फॉर फिजिकल क्लासेस. उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो रहा था. तो पीपल एक्चुअली स्टार्टेड ऑप्टिंग फिजिकल क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अदर एडवांटेजेस. सो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फिजिकल लर्निंग चालू हुआ तो बाइजूस का सेल्स डाउन हुआ. तो जैसे ही सेल्स डाउन हुआ तो सेल्समैन के ऊपर और प्रेशर आ गया. मतलब बाइजूस का सेल्स के लिए, सेल्स के ऊपर यू नो दे हैड ह्यूज प्रेशर फॉर सेल्स. सो ऐसा जैसा यू नो इन क्रिकेटिंग एनालॉजी, जैसे ही रन रेट धीरे धीरे आप अगर नहीं करते हो, यू डोंट स्कोर रन्स इन द इनिशियल ओवर्स, देन वो रन रेट बढ़ते जाता है. द सेम हैपेंड विद बाइजूस. जैसे ही सेल्स का प्रेशर बढ़ते गया और सेल्स हो नहीं रहा था, एवरी सेकेंड डे आपका सेल्स का प्रेशर और भी बढ़ते जा रहा था. सो इनफैक्ट
you know, in one of the interviews, Baiju's Ravindran has mentioned ke there is a thin line between missed sales and aggressive sales. Iska matlab aggressive sales at least ho raha tha, if not missed sales, right? So, uske baad even customer complaints bhi badhna chalu ho gaya. So, in fact, customers were complaining on service, refund theek se nahi ho raha tha. So, they slowly started losing trust Baiju's ke upar. So, ye ek aur ek reason tha. Ya third reason ye tha ki इनफैक्ट उनका यूनिट इकोनॉमिक्स भी बैठ नहीं रहा था. इनफैक्ट इवन दो देर वॉज डिमांड अर्लियर, लेकिन उनका यूनिट इकोनॉमिक्स बैठ इसीलिए नहीं रहा था. आई विल टेल यू सर्टेन फिगर्स, रेवेन्यू और लॉस का कुछ फिगर्स मैं बता रहा हूँ. फिनेंशियल ईयर 18 में उनका रेवेन्यू था 470 करोड़, लेकिन अपना एक्सपेंडिचर हटा के उनका लॉस था 37 करोड़. लॉस था, प्रॉफिट नहीं, लॉस था. इन फिनेंशियल ईयर 2019 उनका रेवेन्यू था 1300 करोड़, लेकिन लॉस 9 करोड़ था. लॉस कम था लेकिन लॉस ही था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था. धीरे धीरे उनका लॉस बढ़ने वाला था. इन 2020 2300 करोड़ उनका रेवेन्यू था, बट लॉस इंक्रीज टू 260 करोड़. एंड फिनेंशियल ईयर 21 में उनका रेवेन्यू 2280, ऑलमोस्ट सिमिलर टू फिनेंशियल ईयर 2020, 2280 था, लेकिन उनका लॉस 260 करोड़ से बढ़ के 4560 करोड़ हो गया. तो लॉस केप्ट पाइलिंग अप बहुत ज़्यादा. तो कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने लिया, लाइक फॉर एग्जांपल फील्ड ट्रिप्स बंद कर दिया सेल्स का, दे कैन ओनली कॉल एंड डू दी सेल्स. लेकिन इससे क्या हुआ कि सेल्स और प्रेशराइज हो गया, सेल्स टीम को और प्रेशर हो गया, बिकॉज ऑनलाइन सेल्स इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट. तो ये एक भी और चैलेंज था. और इंटरेस्टिंगली ये जो रेवेन्यू का फिगर दैट वी आर डिस्कसिंग, उसमें एक इंटरेस्टिंग ये था कि उसमें 80% ऑफ रेवेन्यू टैबलेट सेल से था, ओनली 20% ऑफ द रेवेन्यू उनका कोर्स से था. सो दैट एक्चुअली इज वरीसम. एक एडटेक कंपनी के लिए अगर 80% टैबलेट के लिए एंड 20% सिर्फ कोर्स के लिए है, देन दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. इन्वेस्टर्स स्टार्टेड गेटिंग वरीड फॉर द ओवरऑल सीनेरियो, जो लॉस था, जो स्ट्रेटेजी था, जो सेल्स था, ये सब को लेके दे स्टार्टेड गेटिंग वरीड. उसके बाद द चेन ऑफ लीगल केसेस चालू हो गया, विच वॉज अगेन वरीसम फॉर Baiju's. इन 2022 US लेंडर्स Baiju's ने कुछ पैसे लिए थे, यू नो, सो US लेंडर्स ऑल्सो स्टार्टेड फाइलिंग अ केस कि पैसा वापस नहीं हो रहा है. इन अप्रैल 2023 इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग Baiju's का फिनेंशियल्स. ऑडिटर्स भी क्विट करना चालू कर दिए, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्विट कर दिए. इनफैक्ट इन 2023 अप्रैल अराउंड ओनली 3 ही डायरेक्टर्स थे, बाकी सब छोड़ के चले गए. वो 3 डायरेक्टर्स में Baiju's रविंद्रन, उनके भाई और उनके वाइफ, यही 3 लोग रह गए थे, बाकी सब छोड़ दिए थे. इन अक्टूबर 2023 जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, ऑल्सो इशूड ए नोटिस ऑफ यू नो वायलेशन ऑफ 9000 करोड़, फेमा वायलेशन, FEMA वायलेशन. एंड देन BCCI ऑल्सो फाइल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट Baiju's फॉर नॉन पेमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप ड्यूज. सो देर लॉट ऑफ लीगल ट्रबल विच Baiju's गॉट इन टू इन स्पाइट ऑफ ऑल दी सक्सेसेस. एंड इन जनवरी 2024 जो उनका $22 बिलियन का वैल्यूएशन, वो गिर के लेस देन $1 बिलियन हो गया था, विच इज़ इवन $225 मिलियन, विच इज़ द वैल्यूएशन वॉज स्लैश्ड बाई 99%, विच इज़ रियली सैड. इनफैक्ट रिसेंटली Baiju's को अपना जो ऑफिसेस है बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस, दे हैड टू वेकेट. सो दिस इज़ रियली सैड स्टोरी, बट आई होप दिस इज़ नॉट द एंड, यू नो, दिस इज़ होप. आई होप दिस इज़ ओनली अ टेम्पररी डाउनफॉल, नॉट अ परमानेंट डाउनफॉल. इट इज़ बेटर इफ स्टार्टअप्स लाइक Baiju's बाउंस बैक, रीडिफाइनिंग देयर वैल्यूज एंड डूइंग सर्टेन मीनिंगफुल थिंग्स इन अ राइट वे. Rise to few questions. कुछ questions है जो हम लोगों के दिमाग में है कि क्यों ये डाउनफॉल हुआ, राइट? कुछ questions मैं बताता हूँ, कुछ questions आप ऐड कर सकते हैं, राइट? सो एक है, डिड द एडुकेशन लैंडस्केप चेंज पोस्ट कोविड? एडुकेशन लैंडस्केप चेंज हुआ क्या? सो दिस इज वन. सेकेंड इज Baiju's का मिसमैनेजमेंट के कारण ये हुआ क्या? इज देर अ कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू? ये कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू था क्या, या इन्वेस्टर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लाइक वी नीड ग्रोथ एट एनी कॉस्ट? या एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इज़ द वैल्यूएशन गेम मोर इम्पॉर्टेंट देन द वैल्यू?
सो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस है दैट आई हैव इन माइंड बिकॉज ऑफ दिस केस स्टडी. आप अपना क्वेश्चंस बना सकते हैं. वी आर नो वन टू जज एनीबडी दिस पर्सन और दिस कंपनी, बट दिस इज द स्टोरी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. यू पीपल आर द बेस्ट जज. यू कैन रिसर्च मोर ऑन इट एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इनसाइटफुल नॉलेज शेयरिंग सेशन. सो थैंक यू. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.